पढ़ा था पहला शेरा, उसका मौजू यही था तकरीबन के जो मोहब्बत इलाहिया का तसव्वुर पेश करते हैं मसीही बिरादरान, और जो मोहब्बत इलाहिया का तसव्वुर और रहमत इलाहिया का तसव्वुर इस्लाम पेश करता है उसका मुआजना कर लिया जाए और ये बताया जाए दुनिया को कि कुरान किताब रहमत है, इस्लाम दीन रहमत है, नबी इस्लाम नबी रहमत है, और जिस मोहब्बत इलाहिया का इजहार करते हैं दूसरे बरादरान उन्हें एहसास होना चाहिए कि जमीन का आसमान फर्क है। भई आप ये बताइए, अब जहन में आ गई बात और ये नुक्ता आ गया दरमियान में तो अर्ज करके ही आगे बढ़ूं कि ये किताब मुकद्दस सारी दुनिया में तकसीम की जाती है और उसमें एक बात लिखी होती है, क्या इंसानों देखो रब को तुमसे कितना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि तुम्हारे गुनाहों का कफारा रब ने अपने सगे बेटे को बना दिया। ये मोहब्बत इलाहिया का तसव्वुर पेश किया जाता है। एकदम से गुफ्तगू में एक मोड़ आ गया लेकिन बहरहाल ये जरूरी था गालिबन इसलिए जबान पे आ गया। मोहब्बत का तसव्वुर है इसमें या कहीं कोई मुगालता है? देखिए ये बताइए, यहाँ बहुत से हजरात साहिब औलाद होंगे, किसी के दो बेटे हों, मैं फिलहाल दो की मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल मिसाल होती है, एक बेटा बहुत लायक हो, बहुत हर एतबार से लायक, उसमें इल्म भी हो, हिल्म भी हो, अखलाक हसना भी हो, किरदार भी हो, हुस्न भी हो, जमाल भी हो, सब कुछ हो, और एक बेटा नालायक हो, ये नालायक बेटा कहीं किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए, कोई जुर्म कर ले, गिरफ्तार हो जाए और उसे फांसी की सजा हो जाए, तो जो बाप है वो ये तो कोशिश करेगा कि वो नालायक बेटा सजा से बच जाए, मगर ये कभी नहीं करेगा कि जाके अदालत में कहे कि मेरे इस लायक बेटे को आप फांसी पे चढ़ा दीजिए, इस नालायक को छोड़ दीजिए। इस नालायक को मैं छुड़ाने आया हूँ, किस लिए? इस लायक को फांसी पे चढ़ा दीजिए। ये मोहब्बत है या कहीं कोई मुगालता है? तवज्जो फरमा रहे हैं। अब परवरदिगार की ये खिलकत, ये मखलूकात, ये बंदे जो सब के सब गुनाहगार हैं, खाकी हैं, खाती हैं, इन सब पर इतनी शफकत है परवरदिगार को कि अपने नूरी और मासूम बेटे को फांसी पे चढ़ा। ये मोहब्बत का तसव्वुर है या कहीं मुगालता है? मोहब्बत का तकाजा ये है, हिकमत का तकाजा ये है, मसलहत का तकाजा ये है कि लायक की भी हिफाजत की जाए और नालायक को सजा से भी बचाया जाए और तरबियत भी दी जाए, और तरबियत इस तरह की जाए कि उसे लायक की मिसाल देकर कहा जाए कि देखो जैसे ये है वैसे तुम बन जाओ, और लायक को ये ताकीद की जाए कि देखो ये नालायक जरूर है मगर अगर तुम्हारी सिफारिश से कहीं इसका काम बनता हो तो सिफारिश करने से गुरेज न करना। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो बस इस्लाम में यही है कि इस्लाम ने तमाम नबियों को, तमाम औलिया अल्लाह को एक आजमत दी है, मगर किसी मासूम को किसी गैर मासूम का फिदिया थोड़ी बनाया जा सकता है। हाँ हक शफात है, ये जो इस्लाम में हक शफात है ये है मोहब्बत इलाहिया।